एक चीज आपके गांवों में जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक चीज बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और वो चीज है ये कूड़ादान जो बने हुए हैं। कुछ जगह पर हमने देखा कि हर घर में कूड़ादान बने हुए और लाखों रुपए के कूड़ादान बने हुए होंगे, तो इनकी कितनी जरूरत आप मानते हैं? क्योंकि गांव के लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो लोग उस पर कूड़ा डालते भी नहीं हैं, ना तो गाड़ियां आती हैं, साल 6 महीने हो गए बने हुए, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आती है, तो इस तरीके की चीज़ों को कितना जरूरी मानते हैं आप? ये जो रोड में कूड़ादान बनी है, कचरा कचरा फेंकने वाला, ये 2-3 गांव में बना है, कहीं बना है, हमारे सलाइया में एक भी नहीं बना है, अब लेखा लगाइए एक पीस नहीं बना है, अब जाके आप निगाह करिए। तो कितना जरूरी है ये? जरूरी है एकदम, कचरा फेंकना स्वच्छ रहेगा। लेकिन जो घर घर में बन गए हैं तो उसके लिए हम पूछ रहे हैं, एक घर में बना है, फिर उसके जस्ट बगल में बना हुआ है, फिर उसके जस्ट बगल में बना हुआ है, लेकिन जब हम कूड़ादान को देखते हैं तो उसमें घास उगी हुई है जो है, तो कूड़ा कोई डाल नहीं रहा है, ना सफाई करने के लिए कोई आ रहा है। नहीं, जिसके पास बना है उसको कचरा डालना उचित है, जिसके बना ही नहीं है तो क्या डालेगा। आप लोग के गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? माने हमारे गाँव में सबसे पछिला हुआ है, ग्राम पंचायत सलाइया में सबसे माने आवास की मसला में पछिला हुआ। लगभग कितने लोग का गांव होगा और कितने लोग को आवास योजना? हमारे यहाँ 1200-1500 के अंदर पब्लिक है। हाँ। तो कुल मिला के 100 से कम बना होगा। हाँ। 100 से योजना वगैरह का शौचालय मानिए कि 1500 पब्लिक के बीच में कम से कम माने 200-300 बना होगा शौचालय भी। एक सबसे सामान्य सा सवाल होता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों के दौरान उनका क्षेत्र की तरफ दौड़ा लगता है कि नहीं लगता है? तो आप लोगों की तरफ आपके जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद रीति पाठक हों, चाहे विधायक केदारनाथ शुक्ल हों, तीन लोगों का आना जाना हुआ चुनाव के बाद? हाँ, आते हैं अपना इधर उधर हाई फाई बता के चले जाते हैं, का मतलब कार्यवाही में गोदनामा लिए थे रीति पाठक, जाके विकास पूछिएगा कार्यवाही में कि कितना विकास दिए हैं, कार्यवाही ये ग्राम पंचायत सलाइया छवारी के आगे पूछ लीजिए कि कितना विकास कार्यवाही में हुआ। तो आप ये बीजेपी की सरकार से इतना नाराज हैं कि? नाराज हैं भाई, वो हमारा क्या लिया है, हम अपना मजदूरी करके खाते हैं, वो चौचलेबाजी करता है, हमारे महंगाई बढ़ाया, हमको हर चीज से सता रहा है, हम क्यों नाराज क्यों रहे? कोई अच्छा काम नहीं दिखता? कोई अच्छा नहीं है ना रहेगा। आप काफी उम्र हैं, जब शुरुआत में आप लोग के समय में पेट्रोल डीजल का क्या रेट रहा है? 65 रुपए से आज 110 रुपए तक। मोहन सरकार था, 65 रुपए पेट्रोल था, 110 रुपए कड़ू का तेल था, है ना, और 400 का ये रहा गैस सिलेंडर, 400 का। उज्ज्वला योजना का लाभ आप लोग को मिला? नहीं मिला। उज्ज्वला भी नहीं मिला। और गैस सिलेंडर अब 1100-1200 हो गए, सब्सिडी बंद हो गई है। हाँ, 1100। तो इनकी सरकार बेहतर थी, मनमोहन सिंह की या मोदी की सरकार बेहतर है? हम क्यों कहें कि मनमोहन सिंह का सही रहा, आप खुदे गणित लगाइए कि महंगाई चली गई इतना, तो क्या किसके सरकार में सही है? अब हम पूछने ये पूछे कि आप इससे सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्या कि हम खुद तय करें? हम क्यों तय करें, वो खुदे सरकार समझे कि इनकी महंगाई में इतना था, अब इनके मनमोहन के जमाने में इतना था और नरेंद्र मोदी के जमाने में इतना है। तो नरेंद्र मोदी और सरकार तो कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत बेहतर था, मनमोहन सिंह की सरकार। पूछिए कि कितना महंगाई, कड़ुक तेल क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, मिट्टी तेल तो मिल ही नहीं रहा है, शक्कर मिल ही नहीं रहा है। मिट्टी के तेल चाहिए क्यों, 24 घंटे तो लाइट दे रहे। कहाँ लाइट है, कोई ठिकाना है लाइट कब है, कब चली गई, है ना।